अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों हम हैं जिलानी गोट फार्म पर भिवंडी पड़गा में और आपको अंडुल बकरों का कलेक्शन दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त सोजत अंडुल दिखा रहे हैं हम लोग आपको। ये वीडियो में आपको अराउंड 5 सोजत बकरे दिखने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। बहुत तकलीफ़ में बनाने पड़ते हैं ऐसे वीडियो, लेकिन लोग इन्जॉय करते हैं ऐसे वीडियोज़ को। मतलब बहुत ही अच्छी नस्ल के बकरे हैं। एज अ ब्रीडर भी अगर कोई ख़रीदना चाहे तो प्लीज़ देखें एक बार, ये बकरों की क्वालिटी चेक करें आप। मैंने ये बकरा भाई को पकड़ने बोला इसके लिए क्योंकि इसका पंच में दिखाना चाह रहा था आपको, फुल पंच में। हाँ भाई, सोजत में ऐसा पंच देखने नहीं मिलता। और असल में दो दांत थे ये, अभी दो दांत थे। इसकी आईज देखेंगे जैसे ढसी हुई। ये सब ब्रीडर क्वालिटी है पूरा का पूरा। ये बकरा कान में देखें आप, सलवटे जो आई हैं। बोला भी आज वाह, ये कहीं ना कहीं पतीरा में है और ऊपर से आप देख सकते हैं पंच तो मेवाती जैसा आया इसका। पैर के बीच में गैप देख लें, जो जो चीज़ एक ब्रीडर के अंदर चाहिए। दांत में कितना है भाई? दो दांत हैं। दो ही दांत का भी है बकरा? दो दांत हैं। बहुत शानदार क्वालिटी। सीना देखें आप इसका, झालर पट्टी, गला देखें, पूरा एक ब्रीडर के आलिशान बकरा है माशाल्लाह। दूसरा बकरा ले लीजिए आप भाई, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला ले लीजिए, पंच फेस पहले दिखा देते हैं हम लोग। चलो अब देखिए, इसका भी पंच फेस है। इसका नाम क्या बोले आप? ये शेरा है। शेरा, शेरा नाम बोले इसका। ये भी ब्रीड है अपनी आसिम भाई। अच्छा, होम ब्रीड है। होम ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फुल वाइट आईज, वाइट सिंग, वाइट खुर में। तो एज अ ब्रीडर ये भी काफी अच्छा है माशाल्लाह। फुल जानवर में गैप देखो, जालर देखो। इसका चेहरे पे भी जो पंच है वाइट आईज में है, मार्बल सिंग है। मजा आ गया। नेक्स्ट ले लीजिए भाई, नेक्स्ट दीजिए वो वाला। ये भी बहुत अच्छे चेहरे में। मुंडा है भाई ये? ये मुंडा सोजत, वाइट आईज में। ये भी वाइट आईज में, 6 दांत पे आसिम। रिंकल्स देख लीजिए आप, गला वाला बहुत अच्छा है, फुल गुलाबी माशाल्लाह। क्या बात है। ये अप्रोक्सीमेटली क्या वजन एवरेज के बकरे हैं? सब आसिम भाई सब लगभग 75-80 के करीब में, 80 अबाव भी है, कुछ 75 अबाव है। मतलब 70-80 पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये दिखा दिया हम लोगों ने। ये दिखाओ, ये दिखाओ। वाह, इसका एग्रेशन देखो आप लोग। हटाओ उसको, बीच में से हटाओ। बहुत ही शानदार बकरा माशाल्लाह। ये भी आसिम भाई, ये भी वाइट आईज में, दो दांत पे। ये वाइट आईज में सोजत क्वालिटी अगेन, कान वगैरह फुल गुलाबी माशाल्लाह। ये आपने सब हैंड पिक किए क्या? एक-एक ऐसा मजा आ गया भाई। सिलेक्टिवली अपन अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी, अच्छा कलेक्शन लगा मतलब सोजत का। ये खास करके मैंने जो ये वाइट अंडू लवर्स है ना आसिम भाई, वो ब्रीडर क्वालिटी जी, उनके लिए लाया। सही, तो अगर कोई ये बकरे खरीदता है आप रखेंगे पला, मतलब बकरा इतना किधर रखेंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला। तो उसका चार्जेस होगा कैसा होगा? चार्जेस उसका ऐसे आसिम भाई कि इंशाल्लाह चार्जेस का तो कोई मसला नहीं है उसमें जी। अल्लाह ने चाहा तो अपन जो भी देंगे वो संभाल लेंगे, कोई इशू नहीं। सही है, तो मतलब जो भी बात कर लेंगे। इसको लाओ भाई, और अभी आप लोग हट जाओ ज़रा, इनको खेलने दो थोड़ा सा भाई जान एक में। वाह, ये देखें आप इनका भी। ये बकरा बहुत एग्रेसिव है भाई, मतलब बहुत अच्छा बकरा है। नस्ल में देखे, चेहरे पे रिंकल्स, आवाज़ भी देखे एकदम शेर जैसे। बहुत अच्छा चेहरा है इसका। ये एक बकरा है जो अपनी सिंग घस रहा, आप देख सकते हैं पतीरा क्वालिटी में। ये एक है इधर, 3। अंडुल बकरों को हम लोग छोड़ते नहीं एक साथ, तो वो तो हो गई आपस में, इनका राइवलरी होता ही है क्योंकि सब ब्रीडर क्वालिटी के बच्चे हैं। और एक आध साल अगर पाला जाए तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। भाई के हाथ में बकरा बहुत पसंद आया माशाल्लाह मेरे को, कमान वगैरह बहुत अच्छी है इसकी। सब आसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब नायाब, अगर एक साल रोक लिए इंशाल्लाह सब नायाब चीज़ बनेंगे। किसी को अगर कोई अगर इंडिया में कोई भी कोने से देख रहा हो, एज अ ब्रीडर खरीदना चाहे, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा इंशाल्लाह।
जो भी रेट होंगे आप स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, इंशाल्लाह भाई बता देंगे आपको। एक बार आप अपना नंबर बता दें लोगों को। 9930 ठीक। तो दोस्तों अंडुल गैंग ऑफ जिलानी गोट फार्म आपने देखी आज। इसमें हमने आपको 5 बकरे दिखाए, सेलेक्टिव बकरे माशाल्लाह। और भी अंडुल बकरे हैं इनके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। फ़ोन नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, ये पड़गा में है ठीक है। पड़गा टोल क्रॉस करते ही आपको पहला लेफ़्ट लेना है, एक गाँव का नाम है राहुर गाँव। राहुर गाँव पर आप आएँगे तो मदरसा है, मदरसे पे के सामने आपको बड़ा बोर्ड दिख जाएगा जिलानी गोट फार्म। ब्लू कलर की कंपाउंड किया हुआ जो आपको एक दीवार पूरी दिख जाएगी शेड की, वहाँ पर ये फार्म है। पलाई पे रख सकते हैं आप अपने बकरे यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अच्छे और ट्रांसपेरेंसी से पूरा फार्म चला रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको और भी कुछ बकरे दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।